हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंड्स आज हम रियूज करने वाले हैं टावल का तो आज हम इस टावल का रियूज करेंगे तो सबसे पहले मैंने इसे फोल्ड किया फिफ्टीन बाय फाइव इंचज पे मार्क कर लिया है और आज हम इसमें से यहाँ से हमें कट करना है फोर आइडिया रियूज करेंगे और अब हम एक जिप ले लेंगे इसे यहाँ पे अटैच कीजिए और दूसरी साइड भी अटैच कर लीजिए तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से जिप को अटैच किया है फिर आपको क्या करना है जिप के अंदर रनर डाल देना है तो जिप के अंदर रनर डालने के बाद इसे उल्टा कर लीजिए और फिर आपको ना यहाँ पे दोनों साइड स्टिच कर लेना है स्टिच करने के बाद इसे कर लीजिए सीधा सीधा करने के बाद देखिए तो ये बहुत ही सॉफ्ट है इसके अंदर कुछ भी आप एक्स्ट्रा जो सामान है वो रख सकती हैं जो भी है जो भी सामान रखना है और ये अच्छा सा पिलो बन जाएगा इस तरीके से आपका एक एक्स्ट्रा जो सामान है वो भी यूज़ हो सकता है और ये अच्छा सा पिलो भी बन जाएगा तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना अब इसके बाद जो बचा हुआ है टावल का जो कपड़ा उसे लेंगे और देखिए इसी यहाँ से अपना हाथ रख लीजिए देखिए इस तरीके से आपको रखना है और मार्क करना है देखिए ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा कट करना है छोटा नहीं कट करना है ऐसे मार्क कर लीजिए देखिए फिर कट कर लीजिएगा आप यहाँ से आपको क्या करना है कट करना है इस तरीके से आपको स्टिच करना है और फिर कट कर लेना है अब इसे सीधा कीजिए और देखिए ये कितना यूज़फुल है आप देख सकते हो हम कोई कुछ भी सफाई करते हैं तो इसे पहन के करेंगे तो बहुत ही यूज़फुल है ऐसे कोई भी सफ़ाई करनी है आपको तो ये बहुत ही यूज़फुल है आप कहीं पे भी इसके, इससे सफ़ाई कर सकते हैं हम तो ये हमारा हो गया अब इसे यहाँ से फोल्ड कीजिए ये बचा हुआ कपड़ा है इसे और देखिए इसमें से हम क्या बनाते हैं यहाँ से हमें ऐसे कट कर लेना है और ये भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से हमें इसे कट करना है देख लीजिए थोड़ा सा और दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल है तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी काम का लगे उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना तो यहाँ पे ये छोटे छोटे दो टुकड़े मैंने ले लिए जिसे हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे देखिए इस तरीके से इसे सीधा कर लीजिए सीधा करने के बाद इसे अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद आप इसे इस तरीके से यहाँ पे स्टिच करके ऐसे दोरी लगा लीजिए ये जो दोरी है उसे यहाँ पे इस तरीके से लगाइए आप मशीन से भी लगा सकती हैं हाथ से भी लगा सकती हैं आपको जैसे भी अच्छे लगे आप जिसमें तो वो कर सकती हैं तो अब हम इस तरीके से लूप्स बना के इसके ऊपर ये जो हमारा है उसे ऐसे फूल बना देंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे एक फ्लावर बनाकर यहाँ पे हमें अटैच करना है तो देखिए ये कितना प्यारा हो गया कितना अच्छा लग रहा है ना लुक भी बहुत प्यारा है और हमें किचन में बहुत ही काम आता है हमें बार बार हाथ पूछने जानना ही पड़ता है तो ये हमारा नेपकिन अच्छे से रह गया है और अब हम यहाँ पे नाइन पॉइंट फाइव बाई सिक्स इंचिस का ये छोटा सा टुकड़ा लेंगे इसे यहां से आपको ऐसे फोल्ड करके स्टिच करना है देखिए इस तरीके से आपको करना है यहाँ पे दोनों साइड स्टिच करें अब हम इसे सीधा करेंगे देखिए इस तरीके से सीधा कर लीजिए और देखिए इसके अंदर आप ये सॉप को डाल दीजिए इस तरीके से कोई भी और आप ऐसे इसे यूज़ कर सकती हैं तो आपको ये सब आइडिया कैसे लगे ज़रूर से कमेंट करके बताना देखिए कितना यूज़फुल है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय भारत